अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से, तो लाइट जो है वो जा चुकी है और मैं कपड़े उतार कर लाई थी, तय कर ली थी मैं कपड़े, और सफाई वगैरह जो है वो मैं कर चुकी हूँ। खाना जो है वो आज नहीं बनाना है, तो मैं बना रही हूँ शाम के लिए चाट। बाहर जो है वो गाड़ियों का, क्योंकि मेन रोड है सामने, तो इसलिए गाड़ियों का जो है वो बहुत ज़्यादा शोर होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो सामने है वो मेन रोड है, इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है गाड़ियों का बहुत शोर रहता है। और ये मैंने लगाना है आज दरवाज़े के अंदर। मैंने आपसे जो वीडियो शेयर की थी अपने गैजेट्स की, तो ये भी मैंने परचेस किया था और ये मैं दिखाना भूल गई थी, क्योंकि ये साइड पर रखा हुआ था तो मैं दिखाना भूल गई थी। तो इसे भी रखते हैं साइड पर, ये लगा दूँगी मैं शाम में। और कपड़े जो मैं तय कर दूँगी, और चाट बनाने के लिए मैंने चने रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए। किचन भी साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल जो है मैंने ब्लॉग पूरा नहीं कर सकी थी क्योंकि लाइट चली गई थी, और लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं बना सकी। और आज भी हमारी सुबह से लाइट गई हुई थी और अभी लाइट आई है, और जस्ट मैंने अभी ही सारी सफाई की क्योंकि लाइट नहीं थी तो पानी जो है उसके जाने का ख़तरा होता था, इसलिए सफाई वगैरह जो है वो नहीं की थी। तो अभी जो है वो लाइट आई है मगरिब के बाद, और मैंने सारी सफाई कर दी है क्योंकि कल जुम्मा है, तो जुम्मे में जो है जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है क्योंकि जुम्मे का टाइम होता है, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैंने न्यू बेडशीट बिछा दी है, माशाल्लाह से कमरा जो है वो बहुत ही प्यारा साफ़ सुथरा सा लग रहा है, और इतना सुकून मिलता है साफ़ सुथरा घर हो, साफ़ सुथरा कमरा हो तो। और बाकी सारी सफाई जो है वो भी मेरी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं कल के लिए इस्त्री करने के लिए, और जो है सफाई भी हो चुकी है। और मैंने जो है अपने फ्रिज को यहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। और कपड़े भी धुल चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं, और कल जुम्मा है तो इस वजह से अभी मैं सारे काम करके रख रही हूँ, क्योंकि सुबह खाना भी बनाना होता है, जुम्मे से पहले खाना तैयार होना चाहिए क्योंकि सब नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो खाना रेडी होना चाहिए, फिर सारे काम जल्दी जल्दी में नहीं होते। बस अभी मेरा यही काम है कि मैं कपड़े प्रेस करूँगी, और जो जो फिर मैं करती जाऊँगी वो आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, जो भी क्लिप बनते जाएँगे वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं दूसरी लाइट ऑन करके भी आपको दिखा दूं। पहले सिर्फ येलो वाली लाइट ऑन थी और अब मैंने सारी लाइट्स ऑन करके दिखा दी। माशाल्लाह से बेडशीट जो है वो इतनी प्यारी लग रही है, जबकि ये इतनी पुरानी बेडशीट है, 2-3 साल पुरानी है ये, लेकिन मैं इसे जब बिछाती हूँ ये बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे न्यू है। और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और ये मैंने लोकल मार्केट से दी थी, लोकल बेडशीट है ये, जो गुल अहमद का और अलकरम का जो कपड़ा मिलता है लोकल मार्केट से, ये वो ली थी। और इसे जब भी वॉश करते हैं ना तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल न्यू है, क्योंकि प्योर कॉटन में है ये, और इसे वॉश करने में बड़ा मज़ा आता है, और ये ऐसी साफ़ सुथरी उजली उजली सी हो जाती है। और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा इतनी खूबसूरत बेडशीट के लिए। और ये निकाला है मैंने अपने लिए ड्रेस, जो कि कल जुम्मा है तो मैं पहनूँगी इसके साथ। यस, मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मैंने शॉपिंग की थी, तो ये मैंने जो उसका जो क्या डिज़ाइनिंग बनाई है इसकी मैं डिटेल वीडियो जो है वो डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने इसकी क्या डिज़ाइनिंग बनाई और कैसे बनाया है। माशाल्लाह से ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और दुपट्टा जो है वो ऑलरेडी मेरे पास एक सूट है, उसकी भी वीडियो जो है मैंने पहले लगाई थी, तो दुपट्टा जो है मेरे पास पहले से था, तो इसलिए दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा डार्क और लाइट लग रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है, और साथ में इसके टाइट्स है। तो इस तरह से जो है ये मैं अपने लिए ड्रेस जो है वो प्रेस कर लेती हूँ, ताकि कल जुम्मा है तो मैं इनका कल नया ड्रेस पहन लेती हूँ।
और ये इसके ऊपर बेल, इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लगा दूँगी, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये कितना प्यारा सा मैंने ड्रेस जो है वो खुद से तैयार किया है। मैं टेलर वगैरह से कपड़े नहीं बनवाती और ये मैंने खुद तैयार किया है, तो इसकी क्या डिज़ाइनिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो यहाँ पर जो मैंने रात को ब्लॉग छोड़ा था, सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह तो नहीं है खैर, मैं खाना भी बना चुकी हूँ और बस अभी नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ का टाइम है, उसके बाद जो है हम खाना खाएंगे और सफाई वगैरह सब हो चुकी है। और ये देखें बाहर का मौसम, आज धूप है, गर्मी है, आज बहुत जो है गर्म सा मौसम है। तो यहाँ पर मैं सफाई कर चुकी हूँ, कपड़े भी मैं उतार कर ले आई हूँ जो मैंने कल धोए थे, और अभी हम खाना खाते हैं और फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या करना, उससे पहले मैं पढ़ूँगी नमाज़। तो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने फ़ाइनल लुक, जो कि ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया था, उसे पहना है मैंने आज, आज जुम्मा था तो मैंने सोचा आज न्यू ड्रेस पहन लेती हूँ, और ये है उसकी फ़ाइनल लुक। कैसा लग रहा है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और माशाल्लाह भी ज़रूर कह दीजिएगा। ये इसके साथ मैंने दुपट्टा वेयर किया है, इस दुपट्टे की जो डिज़ाइनिंग की वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताती हूँ इस सीरम के बारे में, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो ये जो है ये स्किन वाइटिंग सीरम है, और ये मैंने पहले इसका रिव्यू नहीं दिया था क्योंकि मैंने ये यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब मैंने इसे यूज़ किया और माशाल्लाह से इसके बहुत ही ज़बरदस्त से रिज़ल्ट हैं। अभी तो मैं इसे दो टाइम यूज़ कर रही हूँ, एक रात के टाइम और एक दिन में भी किसी टाइम मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त ही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह से है, मिल्की वाइट का है, मिल्की वाइट टाइप का है। तो ये देखें, ये विदाउट फ़िल्टर मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, और इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हैं और शाइन करने लग जाता है चेहरा जब मैं रात में इसे लगा कर सोती हूँ। तो सुबह जब मैं उठती हूँ, सादे पानी से मैं मुंह जो है वो धोती हूँ, तो तब भी मेरा चेहरा जो है वो शाइन कर रहा होता है जैसे कि हाइलाइटर लगाया हो। तो मीन्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, आप लोग भी इनसे जाकर ज़रूर परचेस करें। ये इसके ऊपर इन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये इनका इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है और ये इनके व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जी सारे काम हो चुके हैं, नमाज़ भी पढ़ ली है और खाना वगैरह भी खा लिया है, और आपसे सीरम के रिजल्ट्स भी शेयर कर दिए हैं। तो अब मैं लगी हूँ सोने, क्योंकि सब सो रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में मैं जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से अब मैं सोने लगी हूँ। और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा और आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है, क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता व्लॉगिंग के बारे में, तो मैं सीखती भी जा रही हूँ और करती भी जा रही हूँ साथ साथ, तो इसलिए। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।